बिहार एक तरफ जहां कोरोना से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ ने बिहार में तबाही मचा रखी है। कोरोना और बाढ़ की चपेट में अगर कोई पिस रहा है तो वो है बिहार की जनता। मुजफ्फरपुर का कांटी विधानसभा पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। बाढ़ के विकराल रूप का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि रिहायशी कॉलोनी में भी बाढ़ का पानी घुस चुका है। बाढ़ में स्थानीय लोग किस तरह की परेशानियों से दोचार हो रहे हैं, इसका जायजा लेने लाइव 24 के संवाददाता विमलेंदु मिश्र कांटी पहुंचे। देखिए हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार जहां एक तरफ कोविड-19 के कहर से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ ने प्रलय मचा दिया है। इस वक्त लाइव 24 की टीम मौजूद है मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा क्षेत्र में और बाढ़ ने किस तरीके से कहर मचाया है आप तस्वीरों के जरिए भी समझ सकते हैं। हमारी बाई तरफ जो ये नज़ारा है, दरअसल ये सर पूरा इलाका जो है ये एक रिहायशी कॉलोनी है और लोग किस तरीके से आ रहे हैं और अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। जो रास्ता है वो पूरी तरीके से डूब चुका है और जो पानी है वो पानी का जलस्तर है वो लगातार कायम है, खतरे के निशान से अभी भी। जो नदी है, जो गंडक नदी है, लगातार ऊपर बह रही है। आम लोगों का क्या हाल है, जनजीवन किस तरीके से अस्त व्यस्त है? कांटी विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानते हैं। सबसे पहले आप बताइए, हमारे नाव भी चला रहे हैं ये, इनसे जानते हैं कितनी तकलीफ है। बहुत सर कष्ट है, नहीं देखे का सर, पूरा कष्ट है सर। बैठने का, आने का, खाने का, पीने का कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है सर। देख रहे हैं, मर रहे हैं सर। महिलाएं भी मौजूद हैं सर मुजफ्फरपुर क्षेत्र की, इनसे भी जानते हैं। आप बताइए कितनी दिक्कतें हैं। बहुत दिक्कत है, खाए पर आफत है, पूरा सामान भस गया, कपड़ा लत्ता अन्न पानी सब भस गया। कुछ भी नहीं देखते हैं मुखिया जी, कोई कुछ नहीं देखते हैं, झाके पार के नहीं आते हैं देखते। हाँ, लखविंदर साहब कोई सामान नहीं देते हैं, कोई झाँकी पार के नहीं देखे आते हैं, सब सामान घर में से भस गया, कपड़ा लत्ता खाना पीना अति सब अन्न पानी सब भस गया। खाए पर लेकर से क्या आफत है, मतलब आंखों में आंसू आ जाए, जो कष्ट है, जो दुख दर्द है। ये बाढ़ की जो तस्वीर आप देख रहे हैं और हम इधर आ भी पाए हैं, इसलिए कि अभी नाव चलना शुरू हुआ है, नहीं तो जो पानी का जलस्तर था वो इससे भी कहीं ज़्यादा था। लोग अपने घरों को छोड़ कर जा चुके हैं, ये पूरा जो बस्ती है, ये जो रिहायशी बस्ती है, खाली हो चुकी है और लोगों के आवागमन का एकमात्र साधन यही नाव है, जो इन्होंने अपने पैसे से इंतजाम किया है या जो सरकार की तरफ से नाव आए भी हैं उस पर भी अवैध कब्जा अन्य लोगों ने कर लिया है। सरकार का सर दिया, प्राइवेट नहीं है। मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा क्षेत्र से कैमरामैन अमित रंजन के साथ मैं विमलेंदु मिश्रा। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।